नमस्कार, मैं हूं बाबा इलेक्ट्रिकल्स में आपका स्वागत है। आज हम आपको गेजर रिपेयरिंग के बारे में बताएंगे। इसको सीरीज वायर से सीरीज लैंप से हम चेक करेंगे, चेक करके आपको बताते हैं कि क्या हुआ क्या है। सीरीज वायर से पहले चेक करना पड़ेगा। सीरीज से तो ये ठीक बता रहे, लेकिन बॉडी अर्थ बता रहे बॉडी अर्थ बता रहे मतलब ये कॉयल शार्ट है, कॉयल बदलना पड़ेगा। कॉयल कैसे खुलता है और कैसे फिट करते हैं आपको हम समझाएंगे। कॉयल खोलने के लिए यहाँ पे जो नट लगा हुआ है, पहले ये नट सबको खोलना पड़ेगा। खोल के इसको रिमूव करना पड़ेगा। ये आपका थर्मास्टेट है, ये दोनों का थर्मास्टेट है। अभी हम ये कॉयल खोलने के लिए पहले इसको थर्मास्टेट को निकालना पड़ेगा। पहले निकाल देते हैं थर्मास्टेट को, यहाँ से वायर खोलना पड़ेगा। वायर खोल के हटा देते हैं। अभी हम इसका कनेक्शन खोलेंगे। पहले कनेक्शन खोल के हम हटा दिया है। ये कॉयल देखिए कैसा हो गया है, कॉयल कैसा हो गया देखिए। इसको अब नया लगाना पड़ेगा। नया लगा के इसको चालू करके देंगे। अभी नया लगाएंगे। मैं आपको एक नट बोल्ट खोलने के लिए बोला था ये, लेकिन इसका ज़रूरत नहीं क्योंकि ये सब क्लीन है। ओनली कॉयल गया था, तो कॉयल ही खाली चेंज करेंगे क्योंकि अभी नया कॉयल लगाएंगे। नया कॉयल देखो, कॉयल देखो, ये है नया कॉयल। ये कॉयल लगाएंगे और ये कैसे लगाते हैं वो भी दिखा देते हैं आपको। कॉयल बटन यहाँ पे शोर शराबा ज़्यादा है क्योंकि मेन रोड में हमारा दुकान है। इसको टाइट कर दो, नट बोल्ट लगा दिया है। इस कॉइल को टाइट कर रहा है अभी।
इसको फुल टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो वाटर लीक हो जाएगा। तीनों को बराबर टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये आपका पानी लीक होने का संभावना होती है। लगा दिया है, अब इसका कनेक्शन करेंगे। थर्मास्टेट का कनेक्शन कर देते, अभी कॉयल का कनेक्शन हो चुका है, पूरा कनेक्शन रेडी है। अभी इसको हम चेक करेंगे, चेकिंग करने जा रहे हैं। इसको अभी फिट करने जा रहा है कवर वगैरह। अब ये खा बन चुका है, गेजर बन गया और फिट कर रहा है। अभी चेक करेंगे इसको, सप्लाई लगाइए। आप लगा हुआ है सप्लाई ना, पहले सीरीज में चेक कर लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट लगाइए। चालू करिए, चालू करो। ये ठीक हो गया, चालू है। रेड लाइट है लेकिन देख, यही टाइम दरवाता ग्रीन होता है।